Hello, welcome to my channel on Clever Mind. Today I am unboxing my Lava Place 5G. ये Amazon पर अंदर 11,000 आता है, मतलब ये मेरे को अनफॉर्चुनेटली लाइक इस प्रोडक्ट से सो ये थोड़ा कम कीमत में पड़ा इसके ओरिजिनल वैल्यू से। वैसे तो ये करीब 12,000 के करीब आता है ये फ़ोन, और ये है मॉडल 6GB रैम एंड 128GB। और गाइस इस फ़ोन की खास बात ये है कि ये बजट फ्रेंडली फ़ोन है, और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं इसका रिव्यू भी बताऊंगा आपको बाद में। पहले देख लेते हैं इसमें कि अंदर क्या है क्या क्या। ये एक रेफर बेस्ड प्रोडक्ट है, मैं पहले आपको बताता हूँ सम आइटम भी हो सकती है, बट देखेंगे कवर मिला है और इसकी क्वालिटी भी बहुत डिसेंट है। हमारा डिवाइस नाइस एंड 10 वॉट का इसका चार्जर है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, इतने कम रेट में आपको सब फैसिलिटी तो मिल नहीं सकती। और ये है टाइप ए टू टाइप सी केबल, उसकी लेंथ भी ठीक है, एवरेज क्वालिटी भी डिसेंट है वायर की, टाइप सी टाइप ए। और इसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें समथिंग मिस, और वो ये सिम इजेक्टर टूल जो बैक पिन होती है ना वो उसमें है। चलो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो हमारे पास पहले भी है, मेन है हमारे पास ये हमें इंतजार था तो इसकी कंडीशन कैसी होगी। ये एक रिन्यूड डिवाइस है, इसकी फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन इज डिसेंट। ये पीछे ग्लैड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ इसका बैक आता है जो एक प्रीमियम लुक देता है फोन को। इसको हम करते हैं इसका ये फर्स्ट इंटरफेस, फोन डायमेंसिटी 900 के चिपसेट के साथ आता है। हेलो हम करते हैं जल्दी जल्दी सेटिंग। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका पर्सनली रिव्यू फ़ोन का, कि मेरे को 2 हफ्ते हो गए इस फ़ोन को यूज़ करते, तो मेरे को कोई इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही यूज़ करते टाइम। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को इस फ़ोन में कोई भी बग इशू वगैरह नहीं अभी मिला है। ये एक रेफर बेस्ड फ़ोन है, बट उसके चलते हुए भी ये फ़ोन एक डिसेंट कंडीशन में है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसकी बैटरी से लेके सब कुछ, इसकी हेल्थ और इसका सॉफ्टवेयर टोटली वर्किंग कर रहा है। और ये एक एंड्रॉयड 12 पे चलने वाला लेटेस्ट डिवाइस है, और बजट के हिसाब से ये एक ऑसम डील है। और इसका यूआई भी बहुत ही क्लीन है, लाइक ए पिक्सल डिवाइस। इसको यूज़ करने से आपको ऐसा नहीं लगता है तो कि आप एक मिड रेंज फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको एक 6GB की रैम और ये एक्सटेंड भी हो जाती है 5GB
एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें तो टोटल 11 GB रैम भी बन जाती है और इसकी 128 GB की रोम है और इसमें वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0 और इसमें सब लेटेस्ट फीचर है जो होने चाहिए। जैसे हॉटस्पॉट में आपको हो मिल जाता है कि एक्स्ट्रा आपको कंट्रोल्स सब एक्सटेंडेड कंपैटिबिलिटी सब मिल जाते हैं इसमें। बाकी इसका कैमरा कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा एवरेज टाइप का है इसमें, लेकिन आपको तब भी डिसेंट प्रो मोड लाइक स्लो मोशन, USD, टाइम लैप्स, मैक्रो सब आपको मिल जाते हैं इसमें। आपको पीछे 3 सेंसर मिलते हैं, एक 50 MP और एक डेप्थ एंड एक माइक्रो 2 MP का कैमरा। उसकी वीडियो क्वालिटी में 2K फुल HD 1080p एंड 720p एंड 480p की वीडियो रेजोल्यूशन सपोर्टेड करता है। एंड फोटो में ये 50 MP इसका शूटर है और ये एक ठीक है कैमरा, और इसका बोके मोड भी ठीक है और ब्यूटी मोड भी इसका परफेक्टली वर्क करता है। आपको झुर्रियाँ झाड़ियाँ सब गायब कर देगा इसका ये फीचर। एंड इस फोन में आपको IPS पैनल मिलता है और आपको एक थीम वगैरह इस फोन में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। जैसे अब मैं रख लूँगा ये वाली, तो इससे फोन में एक काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। फोन का UI फुल्ली चेंज हो जाता है, लाइक इसका स्क्रोलिंग में इसके आइकन और ऊपर इसके कलर्स। मतलब यार मैं इस फ़ोन से फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। बस इसमें एक ये प्रॉब्लम कि मैं इसमें थोड़ा फोटोग्राफी आपको इतनी पसंद नहीं आएगी इस फ़ोन में, बट आप एक 5G का फुल एंजॉय ले सकते हैं। ऐसे तो ये 50 MP कैमरा है तो ये दिन के टाइम इसकी फोटोग्राफी डिसेंट है, और इसकी लुक की बात करें तो कोई नहीं बोल सकता कि अंडर ये 15,000 से पीछे का फ़ोन है। इसमें आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और आपका पिछला इसका जो बैक ग्लास है प्रीमियम लुक के साथ आता है, तो इसकी ये लुक्स बहुत ही डिसेंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन देयर्स लावा डू गुड वर्क। इसमें लावा की बेजिंग या 5G मेंशन है, ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसकी LED ठीक है, ब्राइट है। यहाँ पर सिम ट्रे, वॉल्यूम के बटन्स एंड ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं मिलता। एंड यहाँ पावर लॉक, हेडफोन जैक, टाइप सी एंड स्पीकर ग्रिल है एंड माइक है, नॉइस कैंसिलेशन माइक मिसिंग है इसमें। बाकी के सेंसर्स में ऑल वर्किंग लाइक जायरो फॉर गेमिंग और ये 30 FPS तक गेम प्लेबैक कर लेता है। और मेनली इसकी हाईलाइट है ट्रू 5G और ये 8 5G बैंड के साथ आता है। तो इसमें आपको मैं डाउनलोडों की स्पीड बताता हूँ कि क्या है ये। इसमें मैंने एक जियो की 5G सिम डाली है, तो देखते हैं कि आपको इसका मैं आपको डेमो बताता हूँ कि इसकी 5G की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर मैं एक इंस्टाग्राम को अपडेट करता हूँ, ये एक 46 MB की ऐप है, ये वीडियो को स्किप नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर जस्ट लाइक ये कितने 2-3 सेकंड भी लगे 46 MB को और ये अपडेट हो गई। अब ये 5-5 MB तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, जस्ट लाइक टैब उधर से इंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल। ये इस फ़ोन की खास बात लगी कि इसमें इंटरनेट आपको बहुत ही अल्ट्रा फास्ट मिलता है, जो आपके भरोसे पर खरा उतरता है ये फ़ोन। मैंने ये फ़ोन स्पेशली फॉर 5G के लिए लिया है,
क्योंकि मेरे पास 4G डिवाइस ऑलरेडी है और उसमें कैमरा डिसेंट है सब, बट वो एक 4G डिवाइस है। और आजकल आपको पता है कि आपको सब चीज़ें एक पैकेज में नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेसर और कैमरा मॉड्यूल से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट मेरे को 5G इसका बहुत ही अच्छा लगा। और इसको मेरे को यूज़ करते पूरे 2 वीक हो गए हैं, फिर ये फ़ोन, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई फीचर कम है लाइक दिस गेस्चर जो आपको लेटेस्ट मिलते हैं कि बटन गायब करके आपको स्क्रीन बड़ी दिखती है, ये फीचर भी इसमें है और वो बहुत ही कूल लगता है आज के टाइम में। आजकल कोई कोई होगा जो इन नेविगेशन की इसका यूज़ करता होगा, बाकी इसमें फीचर ऑलरेडी टोटली है। इसकी बैटरी भी करीब 1 डे तो फुल यूसेज के साथ आप मज़े ले सकते हो, 1 डे इसका कहाँ नहीं गया। और मेनली एक पॉइंट है इसका, वो है चार्जिंग। चार्जिंग इसमें आपको ओनली 10 वॉट की मिलती है, तो चार्जिंग आप बस रात को लगाओ और सो जाओ, सुबह तक आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। ऐसे ये 2 ढाई घंटे तो लेता ही है फोन चार्ज फुल होने में। बाकी इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का रेफ्रेश रेट भी मिलता है, मैं ओनली 60 हर्ट्ज़ का यूज़ करता हूँ क्योंकि ये पावर सेविंग है। एंड 60 हर्ट्ज़ ही फास्ट है, हमें कहाँ बहुत स्क्रॉलिंग करनी होती है, ब्राउजिंग करनी होती है। हमें मेन यहाँ पर है कि हमें मेरे को चाहिए था इधर इंटरनेट, वो भी 5G। तो इसमें तो 5G अल्ट्रा फास्ट है, सो ये डिसेंट परफॉर्मेंस करता है। अगर आप यहाँ 90 हर्ट्ज़ का रखते हैं तब भी ऑसम है, वो आपके यूसेज पे डिपेंड है कि आपको किस टाइप के यूज़र हो। अगर आप फेसबुक इंस्टा ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो वैसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अगर इसकी हाइट नॉच करना चाहते हो तो देख सकते हैं, आप इसकी नॉच भी को भी हाइट कर सकते हो जैसे अदर्स फ़ोन में फीचर होता ही है। बाकी इसके बिजेट कूल है, बाकी ये फुल्ली एक स्टॉक एंड्रॉयड है। कोई भी बकवास चीज़ आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक लावा केयर है, वो भी एक मतलब एक टूल है जिससे आप इस फ़ोन की सारी हार्डवेयर चेक कर सकते हो कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। जैसे एक रिन्यूड प्रोडक्ट है तो मैंने शुरू में इसकी टेस्टिंग की थी खुद ही, तो इसमें मेरे को कोई फॉल्ट नहीं लगा था। ये इसकी 50 MP के कैमरे के साथ फ़ोटो है, तो मतलब फ़ोटो फटती नहीं है, बाकी कलर्स सब डिसेंट है, मतलब फ़ोटो एवरेज है। और ये फ़ोटो का अगर मैं साइज़ देखना चाहूँ तो उसका साइज निकल के आता है करीब 70.36 MP, जो कि ये फुल HD में फ़ोटो लिया गया है, जो उसमें UHD का फीचर आता है ना वो इसमें देख सकते हैं। 5G एक्सटर्नल है, आप अगर यूज़ करना चाहो तो, वो आपके यूसेज पे डिपेंड है। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन, मेरे को आपकी राय चाहिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और ये 10,690 में एक बहुत ही गुड डील है वो फॉर 5G। एंड थैंक्स टू अमेज़ॉन जिन्होंने मेरे को एक न्यू डिवाइस दिया। ये किसी भी एंकल, कोई जीरो स्क्रैच, कोई भी मार्क नहीं है कि कोई यूजेस फ़ोन का। मेरे को तो पूरा न्यू का न्यू मिला। इसकी पैकेजिंग थोड़ी है, लेकिन डब्बे से क्या लेना देना है, हमें तो अंदर के प्रोडक्ट से लेना देना है। इसमें जैसे इस पे तो 16,349 रुपये बताया है, बाकी एक रेफरबिस्ड प्रोडक्ट था तो इसमें थोड़ा डब्बे में थोड़ा टेंट टूंट तो है वो, लेकिन डिवाइस एक एकदम फर्स्ट क्लास है।